जनाब स्पीकर बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें पचहत्तर साल में बहुत ज्यादा मिल चुके हैं एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी पंद्रह साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है बड़े इक्वल राइट है जनाब बारह साल की बच्ची को महम को पिछले हफ्ते धंधे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया जनाब स्पीकर हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं जब 18 साल से पहले कैसे बर्दाश्त इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में हिंदू कम्युनिटी में सिख कम्युनिटी में पैदा होता है उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है जनाब स्पीकर वो कैसे हो सकता है कि दो दिन में वो उसको सपारा भी नहीं आता उसको कलमा भी नहीं आता उसको हदीस भी नहीं आती उसको कुरानी आयत भी नहीं आती जनाब स्पीकर वो कैसे मुसलमान हो चुकी मुझे इस बात की कोई पता नहीं आज तक नहीं समझ आई जनाब स्पीकर आज तक नहीं समझ आई मैंने इस डीएसपी से कहा इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जनाब स्पीकर तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बड़ा जुल्म हो गया हम पे हम पर तर्स खाया जाए कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने जो हमारे साथ खिताब करती हुए ये बात कही थी कि यहां पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फोकियत हासिल नहीं होगी जिनाब स्पीकर हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुरत के साथ वोट दिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जब यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहा था तो उस वक्त के नाम नहा लीडरों ने यह नारा लगाया था जो मांगे का पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान लेकिन मेरी कौम के लीडरों ने जब वोट अंदर कास्ट करके पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर आया तो मेरे लीडर ने नारा लगाया बड़ी जुरत के साथ बड़ी दलेरी के साथ उसने कहा पाकिस्तान बनाएंगे और सीने पे गोली खाएंगे जनाब स्पीकर हमें वो गोलियां खानी पड़े तो हम खाएंगे हमें डंडे मारे हमें छड़ियां मारे हमें जूतियां मारे मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं जनाब खुदा के लिए हम रहम करें हम बहुत दुखी हो चुके हैं